और शिव मंदिर के जस्ट बगल पे यहाँ पे बंधक है राम मंदिर। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से राम दरबार, ये है श्री राम जी। तभी प्रणाम कथा सिखो सिंह भाई, एकदम ना बबली की शादी के लिए आएंगे हम। बबली देख सकते हैं सेट हो गई भयंकर, मत रो इस शादी में आएंगे वहाँ। तो बबली देख सकते हैं सेट हो गई है भयंकर, और ये जा रही है अभी घर। चलो गाय बाकी चलते हैं अब यहाँ से भी। चाहे ये भी हमारे दीदी होती है जो नम्मू है ना, उनकी उसकी मम्मी है नम्मू की। सो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से बस्ती गांव की सड़क से। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो आज कल भी मैं यहीं था, तो मैं परसों आ गया था बस्ती गांव। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ के शिवालय। तो आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार है, तो आप सभी को दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो इसी के साथ पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चौहान, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बस्ती गांव की हसीन वादियों से। आशा उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज जा रहे हैं हम यहाँ के शिवालय, जो मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था, बहुत बड़ा शिवालय है। तो वहाँ पानी चढ़ाने जा रहा है, तो इसके बाद मैंने घर जाना है। और मेरे साथ जा रही है लवली मेरी भांजी। हाय का भांजी, देख सकते हैं मामा से लंबी हो गई। तो बाकी आज स्कूल नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही मैं। और लवली ना 11th में है, तो आज इसका व्रत है, स्कूल नहीं जा रही वाला आज। तो पता नहीं कहाँ घूमने जा रही वो। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मंदिर में, क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत भयंकर चढ़ाई है। बाकी सामने से जो पहाड़ दिखते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से दिखते हैं, आप देख सकते हैं। उनकी बात की जाए तो आज मौसम देख सकते हैं बिल्कुल धूप लग रखी है अच्छी से, और सूर्य देव भी प्रकट हो गए हैं ये देख सकते हैं सामने से। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, मिलते हैं अब आपको सीधा मंदिर में। बाकी गाइस मंदिर में आने से सबसे पहले आया मैं यहाँ के धारे पे। तो पहले देख सकते हैं पहले धारा यहाँ पे ऊपर से था, तो जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो ये देख सकते हैं पूरा नया बन रखा है इसके ऊपर से। तो धारा भी थोड़ा अंदर चले गया, तो ये देख सकते कुछ इस तरह से कर रखा धारा पर व्यवस्था। तो चलो एक बार पानी भरते हैं यहाँ पे से। बाकी गाइस अभी भर दिए हमने पानी की लोटी, तो चलो अब चलते यहाँ से मंदिर में। तो जय भोलेनाथ। तो बाकी गाइस हमने दर्शन भी कर दिए, एक बार मंदिर में आए तो सबसे पहले हमने दर्शन किए। तो सारे मंदिर के पूरे दर्शन अच्छे से हो गए, भोलेनाथ को पानी भी चढ़ा दिया। बाकी आपको मंदिर ना पहले वाले काफ़ी ब्लॉकों में मैंने मंदिर आपको दिखा रखा है, तो फिर से एक बार मंदिर को दिखाता हूँ। तो इसके बाद मैंने जल्दी भी जाना यहाँ से, क्योंकि उसके बाद मैंने घर जाना है। तो पहले यहाँ से सामने का व्यू दिखाते हैं आपको किस तरह से दिखता है। तो यहाँ से सामने का व्यू देख सकते हैं किस तरह से, ये पहाड़ी कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से देख सकते, पूरा जंगल टाइप का। तो यहाँ से देख सकते एक घर देख सकते हैं यहाँ सामने पर, इसके यहाँ पर है एक घर यहाँ पर। कहाँ पर गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ ऐसे जंगलों में भी लोग रहते हैं, ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो बाकी आज रुके देख सकते हैं मंदिर यहाँ, ये यहाँ पे है भोलेनाथ का मंदिर, ये यहाँ पे अंदर शिवालय है। तो इसके जस्ट बगल पे यहाँ पे राम जी का मंदिर, तो मैंने पहले वाले ब्लॉक में भी आपको दिखा रखा है। तो ये देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरह से बन रखा है। तो आप भी मतलब आज दूसरा सोमवार है, तो भक्त जन भी नहीं दिख रहे उतने यहाँ, मतलब कम ही आ रखे अभी। तो मंदिर देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरह से है भोलेनाथ का। तो यहाँ पे दीदी भी आ रखी है मंदिर में, ये भी यहीं के होंगे,
ये कहाँ से तुम भी? चाहे दीदी भी यहीं के है बल, तो बाकी ये देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह से बंधक है। और शिव मंदिर के जस्ट बगल पे यहाँ पे बंधक है राम मंदिर, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से राम दरबार, ये है श्री राम दरबार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जय श्री राम। तो अभी तो उतने भक्त जन नहीं आ रखे हैं क्योंकि आज दूसरा सोमवार है, तो काफ़ी भक्त जनों ने आना था, तो अभी उतने नहीं आ रखे हैं, अभी कम कम ही दिख रहे, क्या पता कुछ सुबह को आ गए होंगे। तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं क्योंकि मैंने भी घर जाना है आज। तो चलो जय भोलेनाथ। बाकी गाइस अभी निकल गए हम घर की ओर क्योंकि मैंने आज घर जाना है, तो मुझे देर हो रही है भयंकर, घर से फोन आ रहा दीदी का, तो जल्दी आ जा बल। तो जय भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये घूमते एक बार जाओ। अभी हम निकल गए यहाँ से, तो यह मंदिर का रास्ता, तो चलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह स्कूल, तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग की प्रेयर हो रही है, हो गया देखो। तो चलो चलते हैं यहाँ से घर की ओर, अभी दर्शन करके आ गए हम। तो अब यहाँ से हमने सीधा जाना घर पे, तो लवली भी आएगी मेरे साथ ऊपर तक, ऊपर वाले घर में। तो बाकी गाइस अभी जाएंगे हम यहाँ से ऊपर, यहाँ भी ना बहुत गलियाँ है, जैसे हमारे गांव की गलियाँ है सेम गलियाँ यहाँ बस्ती गांव में भी है। बाकी ये देख सकते हैं कद्दू की बेल यहाँ सामने, कद्दू की सब्जी काफी यहाँ से है। तो हमने इस वाली गली से जाना अंदर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जी तभी प्रणाम कथा था सिखो चिन्ह भाई। अरे ये देख सकते हैं गांव की गलियां, और मक्का ही देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे उड़ के है। बस्ती की गलियां भी सेम देवर की गलियों जैसे है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ के पांडव चौक, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पांडव चौक है, और यहाँ से हमने जाना है एक बार माँ यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर, तो जय माँ, तो वहाँ पे चलते हैं हम। तो चलो एक बार दुर्गा माँ के भी दर्शन करते हैं। बाकी गाइस ना अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर दिए, ये है यहाँ के दुर्गा माँ का मंदिर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे से सामने कुछ मंदिर कुछ इस तरह से बंधक है, अंदर माँ की मूर्ति, तो यहाँ से, और बाहर पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये है घनियाल देवता, यहाँ पे जय हो घनियाल देवता की। बाकी यहाँ से जो सामने का व्यू दिखता है वो क्या ही बोले, क्या मस्त नज़ारा है यहाँ से देख सकते हैं आप। चलो गाइस अब यहाँ से भी चलते हैं, तो चलो अब यहाँ से भी चलते हैं क्योंकि बबली लबली के उधर से भी फोन आ रहे हैं भयंकर। तो जय हो महाराज की जय हो। आजा जय हो महाराज। गाइज अभी आ गए ना हम दी लोगों के घर पे, तो यहाँ से गांव का व्यू देख सकते हैं आप कितना प्यारा लगता है सामने से, ये देख सकते हैं ये है बस्ती गांव पूरा, यहाँ से माँ दुर्गा की मूर्ति, ये देख सकते कितने सुबह उठते ही माँ दुर्गा के दर्शन हो जाते हैं, तो जय माँ दुर्गा। बाकी यहाँ से देख सकते पूरा बस्ती गांव सामने, वो गांव कौन कौन से है सामने, ये जली है बल जली कंदरा जली जय। तो बाकी ये देख सकते हैं अब यहाँ से जाने की तैयारी, और ये देख सकते हैं बबली भी आ गई मुझे भेजने के लिए, यहाँ जल्दी 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 जाओ मामा घर, अब बबली की शादी में आएंगे हम सीधा भाई बबली। तो सीधा ना बबली की शादी के लिए आएंगे हम, बबली देख सकते हैं सैड हो गई भयंकर, मत रो यार शादी में आएंगे वहाँ, तो बबली देख सकते हैं सैड हो गई है भयंकर, और ये जा रही है अभी घास के लिए। तो
यहाँ से। तो चलो अभी गाड़ी भी जा रही है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी मैंने इनके यहाँ पे जाना, वहाँ मेरे जूते वहीं है, तो चलो बबला मिलते हैं। दीदी ना अभी गौशाला जा रखी है, तो बाकी ये देख सकते हैं दीदी की चचने की बेल। तो यहाँ पे पूरे चचने लगे रखे थे, कुछ निकाल दिए, अभी यहाँ पे तो है नहीं। ये देख सकते हैं ये है चचने हो रखे, एक दो, अभी छोटे छोटे हैं, बाकी हमने निकाल दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे है, और ये होते हैं हमारे जीजू, ये है हमारे जीजू। तो जीजू भी अभी बर्तन धो रहे थे, भयंकर शादी के बाद की लाइफ बहुत भयंकर होती है। आपको जीजू के उससे मैंने वीडियो नहीं बनाया उस टाइम, तो ठीक है जीजू मिलते हैं, जल्दी आएंगे। ठीक है, तो आप भी आना कभी ऊपर घूमने, ठीक है। हाँ मेरा भी मत, अभी अभी आ गया मैं दीदी के गौशाला पे। ये देख सकते हैं, यह है दीदी की गाय, एक गाय ये हमारे वाले गाय थी, ये देख सकते हैं, ये भी ब्याने के लिए है। ये है एक, ये एक ये है यहाँ पे छोटी जो अंदर है, इसकी बाछी ये ब्लैक वाली बहुत भयंकर मारती है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम बोलो तो दीदी, दीदी को नहीं दिखाया था मैंने अपने ब्लॉग में, तो ये है हमारे दीदी जी। तो खक जान यार घास के लिए जाते तो ये देख सकते काम कर करके कैसे हो रखी है, बहुत काम, बूढ़ी नहीं हुई अभी, अभी तो जवान है। तो ये होती है हमारी दीदी, ये है बाकी। अब चलते हैं यहाँ से, तो इन दोनों ने भी अब घास के लिए जाना है, घास के लिए जाना। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, बाकी बाय बाय। चलो गाय बाकी चलते हैं अब यहाँ से भी। तो बाकी गाय अभी मेरी तैयारी भी हो गई है यहाँ से जाने की, और बबली ना यहाँ पर से ऊपर जाएगी, तो मैं जाऊँगा यहाँ से नीचे। तो चलो बबली बाय बाय बाय। मत रो, ये रो भी नहीं रही यार, मामा की खुद नहीं रहा खुद, ठीक है तब तो चल। ठीक है बाय। रुका ये भी हमारे दीदी होती है जो नम्मू है ना, उनकी उसकी मम्मी है नम्मू की। तो ये दीदी फेमस है, बहुत अच्छी है दीदी। तो घास लागे, तो ये देख सकते सुबह ही घास लागे, घास की भारी लागे। किस टाइम गए घास के लिए? अभी 7 बजे गई मैं, मैंने वहाँ जाना है बरकेश्वर महादेव। अच्छा मंदिर में जाना, तो एक बार घास ला गए सुबह, वो आज व्रत हो ना, अभी उपवास है सुबह से, तो देख सकते हैं घास की भारी भी लागे। अब जाना इन्होंने मंदिर में भर, तो ठीक है मिलते हैं बाद में, ठीक है। ठीक है दीदी, तब हुआ थोड़ा भी हुए हो रहा है यहाँ पे वेट दीदी का। दीदी यहाँ नीचे से निकाल लिया सब्जी बैंगन, ये देख सकते हैं यहाँ, और सामने का गांव यहाँ पे देख सकते हैं, सामने पे एक गांव है, तो ये देख सकते हैं गाइस, ये कौन सा गांव, कहाँ से जाते हैं यहाँ पे, रोड का कोई पता ही नहीं चल रहा। ये है उदयपुर गांव, तो कहाँ हुआ क्या बोले, ये है उदयपुर। तो ये हमारे दीदी, बड़ी वाली दीदी, कल वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने। बाय, ला गई यहाँ से सब्जी, ला गई सब्जी इसमें, यो बैंगन ये देख सकते घर के बैंगन, ये भर दिए इसमें। तो चले हम, अरे बाबली सो गाइस अभी पहुंच गए हम गुप्तकाशी, मैं गुप्तकाशी मार्केट पहुंच गया, और अभी आ रखे हम राहुल भाई की दुकान पे। ये है अपने राहुल भाई की दुकान, ये हम स्कूल साथ में रहते थे, तो ये देख सकते हैं बाकी यहाँ पे है राहुल भाई की स्कूल। तो मसाले की प्रसिद्ध दुकान, अगर आप गुप्तकाशी आते हो तो एक बार ज़रूर यहाँ मसाले का स्वाद चखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे मसाले रहते थे राहुल भाई के, और बहुत ही सस्ते रेट पर है।
तो ये देख सकते हैं अभी राहुल भाई, हमें कुछ राहुल भाई ने धनिया भी डाल कर छत में सुखाने के लिए। बाकी यहाँ से देख सकते हैं है दुकान, और यहाँ आपको पिसा हुआ चौंसा चौंसा भी मिलेगा। ये चौंसा ये देख सकते हैं, भट्ट का चौंसा, काली भार, सफ़ेद भार, तो ये देख सकते हैं गाइस, ये अपने रोनी पहाड़ी। और इनका भी एक यूट्यूब चैनल था, पर नहीं बीच में क्या हो गया, डिसमिस हो गया इनका चैनल। इसका भी एक चैनल है रोनी पहाड़ी नाम से, जरूर सब्सक्राइब करें। और आ जाओ तू, बाकी आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? अब राहुल की शादी है नवंबर दिसंबर में, पता नहीं कब होगी। बुलाऊंगा ना मैं शादी में? मेरे को नहीं बुलाएगा सच में, ऐसा हो ही नहीं सकता, राहुल मेरे को नहीं बुलाएगा। तो ये देख सकते हैं। बाकी गाइस अब राहुल भाई हमारी सेवा कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हमें, तो चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। तो चलो गाइस, एप्पल एप्पल 200 रुपए किलो है आता से। सो गाइस अभी आ गए मैं घर, तो अभी मैंने खाना खा लिया है। बाकी ना इतनी गर्मी हो रही है वहाँ की, यहाँ इतना मस्त मौसम है। तो अभी अपने रूम में आ गया, तो यहाँ देख सकते हैं रूम की हालत कैसी हो गई, बिखरा बिखरा। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय बाय। और अपने भाई को इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें, सौरभ चौहान ब्लॉग नाम से। तो बाय बाय।